मेरा भाई, कुछ बोल दे। मैं बोल, कैसा रहा जर्नी? तो आई वेंट फॉर दिस एंड आई हैव दीज पैंट्स। तो जितने भी फर्स्ट एसीज के बाकी के जो डब्बे हैं, ये चार से Hey guys, this is your boy Sumit Raj. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So guys, काफी दिनों बाद मैं इस vlog के साथ आया हूँ and आज है 5th July और ये जो vlog होने वाला है बहुत interesting होने वाला guys. ठीक एक साल पहले मैंने enjoy करा था चेरी को साथ लेके जाना केरला में, जो कि नहीं हो पाया। जितने भी लोग मेरे साथ तब से जुड़े उनको पता होगा, पर इस time guys it is going to happen and finally and fortunately got टू बर्थ को पे इन फर्स्ट एसी। तो फर्स्ट एसी बुक करना पड़ता है अगर आपको अपने पेट को साथ लेके जाना है तो, एंड इस बार हमने टू टिकट्स बुक करा है क्योंकि हम बहुत सालों बाद भैया और मैं एक साथ घर जा रहे हैं। वरना क्या होता है, या तो मैं जाता हूँ या तो भैया जाता है पहले, मतलब हम कभी एक साथ जा नहीं पाए। दिस ट्रिप इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग एंड फाइनली गाइज ये हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई लिटरली कांट अफोर्ड एनी मिस्टेक्स। सो मैंने पहले ही टिकट्स के जो प्रिंट आउट थे वो निकाल लिए, चेरी के जो डॉक्यूमेंट्स थे, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रैवल सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीजें गाइज इसकी मैंने प्रिंट आउट ले ली है और उसको मैंने अटैच करके सब कुछ पिनअप करके मैंने फाइल कर दिया है। चेरी को मैंने रेडी कर दिया है, उसको जो भी मतलब पहनाना होता है वो सब पहना दिया, अब उसको वॉकिंग पे लेके जाना है। ये रही हमारी प्यारी चेरी एंड शी इज प्रीटी मच एक्साइटेड आई गेस। चेरी बेबी स्पिन स्पिन स्पिन, गुड गर्ल। सामान पूरा पैक्ड है जो कि मैंने वहाँ पे कर दिया है। बालकनी से ये व्यू है गाइस बर्ड्स का एंड यहाँ पे उनकी फैमिलीज हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज गाइस द व्यू, वो रही कोई सोसाइटी एंड जो सनराइज हो रही है इट्स अमेजिंग। आज का जो मेरा आउटफिट है, जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में करा था, तो कंफर्टेबल पोलो टी शर्ट मैंने प्रेफर करा है बिकॉज यार 51 आवर्स की जर्नी होने वाली है एंड इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि यार कंफर्ट क्लोथिंग मैं करूँ। तो आई वेंट फॉर दिस एंड आई हैव दीज पैंट्स जो कि स्लिम फिट है बट काफ़ी कंफर्टेबल है एंड आई हैव दिस वॉच एंड स्लीपर्स, बाकी ऑल सेट गाइज एंड चेरी भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हम चलते हैं हमारे जर्नी में, सो स्टे ट्यून्ड। तो काफ़ी वेट करने के बाद गाइस फाइनली कैब आ चुकी है एंड मैं चेरी को घुमा रहा हूँ इधर ताकि ये सुसु पॉटी कर ले, पर ये बदतमीज औरत अभी तक सुसु पॉटी कर नहीं रही, जान के कर रही है ये, इसकी हरकत है। चेरी बेबी सुसु कर ले। जब तक ये सुसु पॉटी करने लगी तब तक मैं इसको अंदर लेके जा नहीं सकता और ये कर नहीं रही, और आधा घंटा हो गया इसको घुमाते। चेरी बेबी ये देखो गाइज, ये रही हमारी चेरी जो कि हद से ज्यादा एक्साइटेड है एंड वो रहा भाई। हाय बोल दे। हाय हाय, कैसा लग रहा है? ठीक। चेरी बेबी चटा कैसा लग रहा है बता? बहुत प्यारी। चटा मतलब भैया होता है, तो तू बता कैसा था प्रोसेस, क्या रहा? वैसे तूने तो कुछ देखा भी नहीं, बस ये भाई साहब तो बस सामान लेके खड़ा था एक जगह पे, भाग दौड़ मैंने करी, ने कुछ भी नहीं करा, सारा का सारा काम मुझे करना पड़ा। वैसे जो भी प्रोसेस था चेरी का सारा हमने कर दिया, भाई ने पूरा सामान का ध्यान रखा है जिसमें यार सामान काफी ज्यादा था, तो ऑब्वियसली एक सामान ये भी है उसमें, एक सामान मैं भी हूँ, पर मैं चेरी के साथ था तो ये इसका कोई सेंस बनता नहीं। वैसे तो भाई ने पूरा अपना क्या कहते हैं सामान का ध्यान रखा और मैंने चेरी का। फर्स्ट एसी कूपे बुक करने का ये भी फायदा कि यहाँ पे यार बड़ा सा मिरर भी मिल जाता है। मुझे नहीं पता ये हर ट्रेन में मिलता कि नहीं मिलता, पर केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में जरूर मिलता है, तो ये मेरा फेवरेट चीज है और भैया को भी काफी अच्छा लगा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल अच्छा। अरे भैया
वैसे गाइस जो जितने भी दूसरे कैबिन के लोग हैं ना, वो भी आके पूछ रहे हैं यार आपने करा क्या ऐसा कि आपको कोपे मिल गया। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो बीच बीच में बताता रहूंगा। अभी फिलहाल तो चली मजे में लेटी हुई है, अपना टाइम पास कर रही है। उसके लिए हमने वो बाउल ले लिया, उसमें पानी डाल दिया। अब उसके लिए खाने भी देना, जो खाना भी नहीं दूंगा, लाइट लाइट सा खाना दूंगा जो कि शाम को देना। नहीं, इन मैडम के लिए इतनी महंगी सीटें बुक करी, इन मैडम को बैठना इस फर्श में। देखो अब मैंने फिर से उठा के ऊपर बिठा दिया भाई, अब अगर फिर से नीचे गए ना यहीं बिठाऊंगा। जिसके लिए बुक करा वो तो बैठे यहाँ पे। चेरी बेबी किसको देख रही है, किसको देख रही है चेरी? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे चाय तू थोड़ी पिएगी बेबी, पहले दूध लाऊंगा। दूध चेरी, दूध। देखो यार कितने एक्साइट होके बैठी हुई है, मतलब बिल्कुल। शी इज ऑल्सो यू नो टेकिंग द फील ऑफ अ पैसेंजर। पूरा का पूरा पैसा वसूल, जिसके लिए लिया है टिकट वो आराम से बैठी है सीट पे। चेरी बेबी, चेरी बेबी देखो देखो कैसे देख रही है। मैंने अभी चेरी को डायपर पहना दिया है एंड देखो कितनी क्यूट लग रही है। अभी ये लेटी हुई और सो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। एंड ये जो 51 आवर्स की जो जर्नी है बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। और मैडम बिल्कुल VIP ट्रीटमेंट में यार, देखो मस्त लेटी हुई है, देख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, नज़ारे देख रहे हैं और मस्त सीनिक व्यू के साथ। इट्स लाइफ होता है। एक ना अच्छी चीज़ क्या होती है डायरेक्ट ट्रेन में जब ट्रैवल करते हो, जब तक मैं मेरे डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला होता हूँ ना, सारी की सारी कंपार्टमेंट खाली हो जाती है। तो जितने भी फर्स्ट एसीज के बाकी के जो डब्बे हैं ये चार सीटर वाले, सारे के सारे खाली हो चुके हैं गाइस। तो मैंने चेरी को बाहर छोड़ दिया ताकि वो थोड़ा वॉक वगैरह कर ले। पहले हमने सिर्फ उसको कमरे में रखा था, अभी ये घूम रही है। देखो आप, हमारी चेरी बन चुके हैं डोरा द एक्सप्लोरर, वो काफ़ी मज़े से घूम रही है। अभी मस्त देख रही है क्या है क्या नहीं है। और ये होता है गाइस ये 4 सीटर वाली, और 2 सीटर वाली तो आपने देख ही लिया था, सिर्फ एक की साइड होता है। चेरी बेबी, चेरी बेबी, चेरी बेबी, देखो गाइस कितनी खुश है, कितनी खुश है। आओ बोले चेरी बेबी, चेरी बेबी, कम 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 कम। चेरी का तो प्लेग्राउंड ही बन गया यहाँ पे। देखो क्लिप गिरा दिया इसने। पहुंचने वाले गाइस एंड पापा मम्मी आ चुके रेलवे स्टेशन में, तो मैं रेडी हो चुका हूं। ये है जो है, बाकी भाई भी रेडी हो चुका है। वो भी बड़ा यार हैंडसम लग रहा है, वो तो है ही ऑलरेडी हैंडसम। एंड हमारी चेरी बेबी प्यारी सी इतनी रेडी होके बैठी है, पर ये कंफ्यूज जब क्या होने वाला है, इसको लग रहा है कि हम इसको यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है ना चेरी बेबी, चेरी बेबी। बट बाय गॉड गाइस, ये जो फील था, ये जो जर्नी था 51 आवर्स का, इट वॉज वेरी लॉन्ग बट एक्साइटिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि नया था हमारे लिए भी। हमने मतलब सोचा नहीं था इतना कंफर्टेबल होगा, इट वॉज वेरी मच कंफर्टेबल। एंड चेरी को आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है ये। सो गाइस, जो इन्फॉर्मेशन है कितना प्राइस लगा और क्या क्या डिटेल्स है, मैं ये घर जाके आराम से आपको बताऊंगा। सो ये था हमारा 51 आवर्स की जर्नी फ्रॉम चंडीगढ़ टू कोचुवेली विद आवर क्यूटी पाई चेरी बेबी। और ये रहा मेरा भाई, कुछ बोल दे। तो बोल, कैसा रहा जर्नी? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब तेरा फर्स्ट एसी पहली बार था ना? हाँ, फर्स्ट एसी पहली बार था। तो इसका गाइस फर्स्ट एसी में ट्रैवल फर्स्ट टाइम था, कैसा लगा बता? फर्स्ट एसी मेरे साथ मजा है, मैं तो हुई एंटरटेनिंग। मैंने पहले 2 बार ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक तो जो चेरी को लेके जा रहा था जिसमें फेल हो गया, दूसरा मैं खुद करा था, मुझे थोड़े मजे लेने थे तो उस वजह से। बाकी वी आर ऑलमोस्ट डैश रेडी है पापा से मिलने। बिल्कुल। और गाइज ये है कि हम ना काफी सालों बाद मैं और भाई एक साथ जा रहे हैं घर, वरना या तो ये जाते हैं या तो मैं जाता हूँ, ऐसे होता है। तो घर वाले भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, मैं भी एक्साइटेड हूँ, ये भी एक्साइटेड है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, जो कि मैं घर जाके आपको बताऊंगा क्या था क्या नहीं था। सो सी यू देयर।
तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट करे बता देता हूँ आपको क्या करना है इफ यू वांट टू टेक योर पेट अलोंग विथ यू। तो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि गाइस आपको फर्स्ट एसी में दो टिकट बुक करनी है इफ यू आर टू ट्रैवलर्स, या अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको दो टिकट बुक करना है, अगर मोर देन फोर देन बेटर, देन चार सीट बुक करो आपको पूरा कैबिन मिल जाएगा राइट। बट इफ यू आर ट्रैवलिंग ओनली टू देन क्या करना है आपको कूपे के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा टू द रेलवे ऑफिसर। ट्रैवल के 4 आवर्स पहले आपको चार्ट प्रिपेयर होते टाइम पता चल जाता है वेदर इट्स अ कूपे और नॉट, बट चांसेस ये होता है कि गाइस आपको कूपे मिल ही जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये था पहली चीज जो आपको करनी है, टू सीट बुक करनी है, कूपे रिक्वेस्ट करना है। इसके बाद जब आप कूपे रिक्वेस्ट करोगे उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं ताकि आप अपने पेट की टिकट्स ऑन स्टेशन आप ले पाओ। तो उसमें पहली चीज़ है गाइज जो पेट की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी, आपकी आधार कार्ड की फोटोकॉपी। देन तीसरी चीज़ है उसकी ट्रैवल एंड हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि आपको अभी वेटरनरी हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हो, जिसमें 500 रुपीज़ लगती है। जहाँ से मैंने करा था वहाँ पे 500 रुपीज़ ही लगा, जहाँ पे डॉग का एज, नेम, ओनर का नेम एंड मेंशन किया जाता है कि शी इज़ फिट टू ट्रैवल। एंड ये सब करने के बाद आपको पाइलअप करना है अलॉन्ग विद दी रिक्वेस्ट लेटर एंड इसको आपको फैक्स करवाना है DRM ऑफिस में। यही सारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं एंड इसकी हार्ड कॉपी होना बहुत ज़रूरी है, आपके टिकट की हार्ड कॉपी, आपके आधार की हार्ड कॉपी एंड आपके पेट के जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रैवल सर्टिफिकेट, इसकी भी हार्ड कॉपीज होनी चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको DRM ऑफिस भिजवाना है जितना जल्दी हो सके। प्योर आप ये समझ लो ट्रैवल के 2-3 दिन पहले आप भिजवा दो ताकि एटिकेट हो जाए, क्योंकि पहले क्या होता था रेलवे स्टेशन में जाके करना पड़ता था। जो मैंने करा वो मैंने DRM ऑफिस में भिजवाया तब जाके मेरा हुआ। तो अभी जो मैंने बताया वो बताया आपको कूपे के लिए क्या करना है। कूपे के लिए आपने रिक्वेस्ट डाल दी एंड रिक्वेस्ट डालने के लिए आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए। उसके बाद क्या करना है, ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको मिल जाएगा आपकी चार्ट एंड कैबिन नंबर एंड एवरीथिंग। डिपार्चर के 2 घंटे पहले आपको रेलवे स्टेशन जाना है एंड पार्सल ऑफिस में जाके ये डॉक्यूमेंट सबमिट करके फॉर्म फिल करके आपको अपनी पेट की टिकट बुक करानी है। तो मेजर चेरी की जो टिकट प्राइस लगा था फ्रॉम चंडीगढ़ टू कोचुवेली वो 1500 कुछ लगा था एंड मेरे हिसाब से इट्स वर्थ फॉर द मनी। और जो हमारा जो लगा था गाइस दो टिकट फर्स्ट एसी कूपे का, इट वाज 7000 समथिंग, लाइक 7900 अप्रॉक्स 8000 ईच, तो 15-16000 लग गया था हमारा। बट जर्नी काफ़ी कन्वीनियंट था तो मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगा आप डेफिनेटली ये ट्राई करो अगर आपको अपने पेट के साथ ट्रैवल करना है, देन गो फॉर इट गाइज। सो यही था आज का वीडियो एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, अगर उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो बेल आइकन पे घंटी दबा देना। टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स एंड सी यू सून। सो दिस इज योर बॉय सुमित राज साइनिंग ऑफ, बाय बाय।